क्या कहते हैं वो साहब? जी कह रहे हैं कि आज रात के लिए पूरी यॉट बुक करनी है। और आपने उन्हें बताया नहीं कि ये बहुत एक्सक्लूसिव यॉट है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा? बताया था लेकिन कहने लगे अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया तो पूरी यॉट खरीद लूंगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मालिश वाले तो हाथ नीचे करो ना, मुझे शाम के लिए पूरा यॉट बुक करना है। पूरा यहां से लेके वहां तक? और बियर? नो नो दैट्स इट। तो बस इतना ही? और क्या है ये इतने सारे टेबल लगा रखे हैं? मुझे सिर्फ एक ही टेबल चाहिए। हटो हटो यहाँ, नीचे पिंक कार्पेट होना चाहिए और लाल रोज के पेटल्स। सर हमारा ड्रेस कोड फॉर्मल है, आप अपना सूट खुद लाएंगे या हम इंतजाम करेंगे? खुद ही लाएंगे ना, अरमानी की बहन सुबह से हमारा सूट बना रही है। और मुझे चार वायलिन वाले चाहिए। हटो हटो यहाँ, उनसे कहना कि शाम को मुझे फोन कर लें, उन्हें बता दूंगा मैं कौन से गाने प्ले करने। सर वायलिन पे पंजाबी की ठीक है, तो खुद ही डिसाइड कर लेना। और मुझे 7 कोर्स मील चाहिए और इतना बड़ा चॉकलेट केक जिसके ऊपर लिखा होगा मेरी मिशन आया। मोनिका, लीसा। एक्सट्रीमली रोमांटिक सर, बट यू नो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये पूरा आइडिया थोड़ा ओवर बजट टाइप हो रहा है। यू नो इस पूरे ख्याल के कुछ $10,000 लगेंगे, 50% ख्याल सुनाते वक्त और 50% खाना खाने से पहले। कितना कहा आपने? $10,000, 40 रुपए वाले। और ये 10,000 और 5,000 बच्चियों में बांट देना, कह देना कि आज साहब का मूड अच्छा था और 5,000 आपके, खाना खाने के बाद शायद हम मसाज लें। भगवान भी ना कैसे कैसे लोगों को पैसे दे देते हैं जी। नथिंग नथिंग। 7 बजे राइट सर। माइंड ब्लोइंग, मैं तुम्हें फोन लगा रहा था। देखो आज रात को तुम कुछ नहीं कर रही हो, आज रात को हम बाहर जा रहे हैं। आई विश करण। क्यों क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया करण। तुम भी ना छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। छोटी नहीं करण, $4 मिलियन। इतनी बड़ी रकम लेके तुम निकले, कितने का नुकसान हो गया? $4 मिलियन। कुछ सुनी सुनी रकम लगती है, कहाँ पे? ओल्ड ब्रिज के पास हमारे कॉन्वॉय को छोटे छोटे एयरक्राफ्ट ने घेर लिया था करण। करण कुछ नहीं, मैं तेज तेज चुंगम चबा रहा हूँ, तुम बोलो। वो उल्लू का पट्टा सारे के सारे पैसे चुरा कर ले गया। गाली नहीं, गाली नहीं। तुम कमाल करते हो करण, वो सारे पैसे चुरा कर ले गया, तुम कहते हो गाली नहीं। घटिया आदमी, सुअर कुत्ता कमीना, मगर वो बचेगा नहीं। 2 घंटे पहले प्रिंसेस नाम की ऑट को बुक करके वो शाम को पार्टी करने वाला है। मैं उसी ऑट के मैनेजर से मिलने जा रही हूँ, उसने देखा उस कमबख्त को। एनीवे करण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम इतने चुप क्यों हो करण? क्या कर रहे हो तुम करण? मैं अभी भी तेज तेज चुंगम चबा रहा हूँ, तुम जाओ तुम जाओ। ओके बाय। मैं देखता हूँ क्या करना है। एक तो गाड़ी भी इतनी तेज चलाती ना। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा कैसा मैं समझ गया। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन? मैं आपके सामने उसकी फोटो उतार दूंगा और ऐसी फोटो उतारूंगा कि आप इस बोट से उतरेंगी और उसे पकड़ लेंगी। सुनिए, 10 नंबर का जूता था उसका, ब्लू जीन्स, कुछ 30-32 की कमर, शर्ट साइज 42 होगा और शक्ल जो उसकी थी वो धुंधली थी। धुंधली? जी धुंधली। मतलब कि आप अगर शक्ल की तरफ देखें तो वो धुंधला नजर आता था। कमाल करते हैं, आपको कमर का साइज समझ में आया, कॉलर का साइज समझ में आया, मगर शक्ल धुंधली। मैम 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 मैम, लंबे कद का सांवले रंग का आदमी और बाकी की शक्ल जो थी मैम धुंधली। ये क्या बकवास लगा रखी आपने, धुंधली शक्ल धुंधली शक्ल। आप जरूर कुछ छुपा रहे, धुंधली शक्ल का क्या मतलब होता है? मैंने तो कोई धुंधला आदमी देखा नहीं आज तक। कमाल कर रही हैं आप मैम, धुंधले लोग होते हैं, कई लोग क्लियर होते हैं जैसे कि आप हैं और कई लोग धुंधले होते हैं। मेरे पर्सनल चाचा जी बड़े धुंधले आदमी थे, कभी लगता था दिखाई दे रहे, कभी लगता था दिखाई नहीं दे रहे, बेहद धुंधले किस्म के आदमी थे। Oh my God, I think he's talked to something.
ना बड़े ना छोटे, और बाकी की शक्ल एकदम धुंधली धुंधली बोले तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोले तो आउट ऑफ फोकस बोले तो काली सपाट, होपलेस काइंड ऑफ शक्ल, इन शॉर्ट धुंधला, एंड आई रिपीट धुंधला ओवर एंड आउट। देखिए ना धुंधला, ऐसी शक्ल कोई डिस्क्राइब कर सकता है? अबे धुंधले, अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो तुझे सारी जिंदगी धुंधला नजर आएगा। I love you.